जय मसीह की आप सभी को, प्रभु यीशु मसीह के बड़े पवित्र नाम में, दुर्नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने जो बातें हमारे जीवनों में पिछले साल में रखी, सब में परमेश्वर ने अपनी भलाई को जाहिर किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे संकटों का सामना किया, मुश्किलों का सामना किया, पर इन हर एक बातों में परमेश्वर ने सच में उसकी भलाई को जारी रखा। आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस साल के वचन में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए कि प्रभु हम आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ सके। इस साल में आपकी योजना, आपकी इच्छा कुछ ना कुछ है मेरे जीवन में। आप जो चाहते हो वो मेरे जीवन में होने पाए, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं। तो आइए हम प्रभु के पास जाते हैं और मैं आपको उनके चरणों में समर्पित करते हुए इस समय को प्रभु के पास ले जाएंगे। आइए दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं फिर से आपने एक और दिन, एक और मौका हमें दिया, एक अनुग्रह के तले प्रभु आपने पिछले साल रखा और 2021 में हमें कदम भरवाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, और इस नए साल में आपने हमारी अगुवाई करना जारी रखा है प्रभु, क्योंकि आप हमारे अच्छे चरवाहे हो और जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक दे देता है। हाँ प्रभु, अपनी भेड़ों की सारी जिम्मेदारी जैसे एक चरवाहे की होती, वैसे ही आपने हमारी सारी जिम्मेदारी ली है, आज तक निभाई है। चाहे हम जैसे भी रहे हो, पर आपने अपनी भलाई से और आपकी दया से हमसे व्यवहार किया और उसके लिए हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं। इस नए साल में प्रभु जब आप हमें वचन से अगुवाई करना जारी रखे, हम दुआ करते प्रभु वो ही वचन जो हमें बढ़ा सकता है, जो हमें आपकी और आगे ले आ सकता है, उन वचनों को हमारे जीवनों में लाए प्रभु हम मांगते। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हमसे व्यवहार कीजिए और जो भी बातें आज के वचन के द्वारा आपने रखी है हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो भी बातें आप हमारे साथ व्यवहार करना चाहते हो प्रभु वो आज कीजिए, वो होने दीजिए। यीशु के लहू को मैं इस समय पर और सुनने वाले हर एक व्यक्ति के कानों पर, उनके विचारों पर, उनके मनों पर लेता हूँ और अंधकार की शक्तियों को और शैतान की हर योजनाओं को यीशु के नाम में तोड़ देता हूँ। प्रभु आपकी ही महिमा हो। प्रभु हम आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं, और प्रभु जो भी बाधाएं हो प्रभु आप हमारे जीवनों में से हटाइए प्रभु, ताकि हम पूरा पूरा आपके बनकर इस साल में आपके लिए जी सके परमेश्वर। और इसके लिए जो वचनों की आवश्यकता है वो आज हमें आप दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से हमारी ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन। नए साल में प्रभु ने हमें मौका दिया, 1 जनवरी को प्रभु के दास ने अपने हमारे साथ बहुत सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें शेयर किया। सबसे महत्वपूर्ण बात की शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत, ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम उसके और ताकते रहे, उसके साथ जुड़े रहे और उसके वचनों को सुनते रहे। हमारे कानों को उनकी बातों को सुनने के लिए हम तैयार करें। तो यारो ये समय है प्रभु के वचनों में आगे बढ़ने का। पिछला साल सच में अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने महामारी 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 ही आती है, और उसके पीछे जो शब्द और भी मैं जोड़ सकता हूँ, मगजमारी। महामारी आई पर मगजमारी लाई नहीं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं इतना परेशान कर दिया, इवन वो आज भी परेशान है, परेशानी में ही जी रहे हैं। अभी भी सिर से पांव तक सैनिटाइजर में डूबे हुए हैं, उनकी चमड़ियों में जो सैनिटाइजर की स्मेल आती होगी मेरे ख्याल से। इतना अपने आप को मतलब उस पे रखे हुए हैं, कितना परेशान हो गए लोग। अब देखिए पूरे विश्व को हिला के रख दिया, पूरे विश्व को हिला के रख दिया। और सबसे बड़ी बात प्यारों से अगर बोलूं मैं तो कलीसिया पर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा। कलीसिया जो परमेश्वर का काम करने का एक साधन जो इस संसार में समय में प्रभु ने रखा है, उस पर यह बहुत बड़ा प्रभाव डाला इन बातों ने। यूं मानो कि धुआं उड़ा दिया, ऐसी हालत हो गई थी, धुआं उड़ा दिया सच में। और ये नया साल में हम आ गए, अब पता नहीं अब हम आगे इस साल में क्या क्या देखेंगे, मुझे नहीं पता। इस साल के अंत में ये वचन आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पर इस नए साल में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। पर इन सब में बहुत बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ हमें अपने आप को स्थिर रखना है, पर हमें प्रभु के लिए कुछ करना भी है ना। ना सिर्फ अपने आप को स्थिर रखना है पर प्रभु के लिए कुछ करना भी है। सो अब वो ही कर पाएंगे जो अपने आप को अवेलेबल करेंगे, पर उसके लिए बहुत जरूरत है कि हम उसकी बातों को, उसके वचनों पर गौर करते रहे, उसकी बातों पर ध्यान करते रहे। पिछले समय में प्रभु ने बहुत सारी बातों के द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया। प्रभु ने साफ उन बातों को आपके आगे रखने के लिए प्रभु ने मुझे एक भारी बोझ से भर दिया प्यार। और उसमें से कुछ बातें हैं जो आज आपके सामने में रखना चाहूंगा। इब्रानी 12वां अध्याय आप निकाले, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 25 से 29 आयत हम पढ़ेंगे। इब्रानी 12वां अध्याय और 25 से 29 आयत हम पढ़ेंगे साथ में। इब्रानी 12:25 से 29 वचन इस प्रकार कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना प्यार। जितने भी लोग जुड़े हैं मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास बाइबल है तो उसमें ध्यान दीजिए, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आदत डाल दीजिए बाइबल रखकर उसमें से पढ़ने, है ना। क्योंकि पिछला साल तो ऐसे ही बिता दिया, नया साल हम ऐसे बिताना नहीं चाहते। देखिए क्या लिखा है, इब्रानी 12 और 25 से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके तो मैं स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। ये किन लोगों की बात थी? इजरायली लोगों की बात थी कि जब वो मिस्र से छुड़ाए गए और रास्ते में थे तब बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, उन पर बहुत भारी शिक्षाएं भी आ पड़ी और बहुत कुछ हुआ। नई पीढ़ी ही वचन के देश में प्रवेश करने पाई, कोई भी नहीं। इवन जो उनका अगवा मूसा था वो भी वहां बॉर्डर पर परमेश्वर ने उसको वहां पर उसके जीवन को पूरा किया, उसको भी प्रवेश करने नहीं दिया। महिमा करने वाले लोग प्रभु चाहता है। सुन रहे हैं आप लोग, ये नए साल का वचन है, आप ध्यान से सुनिएगा। हो सकता था कि ये पहली तारीख को बोल सकता था मैं, या पहले रविवार को बोल सकता था, पर आज मौका है। मैं आपको बोल रहा हूँ कलीसिया के लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और कलीसिया के बाहर के भी जो लोग हैं, आप ध्यान से सुन, जो दूसरी कलीसियाओं से बिलोंग करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। उसकी महिमा करने वाले लोग प्रभु ढूंढ रहा है। ध्यान दीजिएगा इन बातों को, उसकी महिमा करने वाले लोग। लिखा है कि वो लोगों ने मुंह फेर लिया चेतावनी देने वाले, और वो बच नहीं पाए। लिखा है 26वीं आयत, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की। उस समय उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। उसके शब्द मतलब उस समय सिनाई पर्वत पर, और जब लोग नीचे सिनाई पर्वत के नीचे खड़े थे, वहां पर जब परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को जारी किया मूसा के द्वारा, वहां पर पूरा पहाड़ और सब कुछ हिला दिया था परमेश्वर, और वापस फिर से हिलाने वाला। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पिछला साल तो हिला के रख दिया सब लोगों को, आप लोग और सबको हिल गया है प्यारो। आज भी एक और चीज आपके सामने आएगी और आपको शायद मेरे ख्याल से हिला कर रखेगी। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। एक बार फिर, सुन रहे हैं आप लोग, एक बार फिर हिला दूंगा। हाँ, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के जब दूसरे आगमन में, जब वो बैटल ऑफ आर्मागेडन के समय में जब उतरेंगे, उस समय बहुत भयानक रूप से पृथ्वी को हिलाने वाले, वो बात है। पर वो बड़ा भूकंप आए उससे पहले छोटे छोटे भूकंप भी आने वाले हैं हमारे जीवनों में, हमारे आसपास, हमारे सृष्टि में। तैयार हो जाइए प्यारे, प्रभु एक बार फिर हिलाने वाला है। लिखा है एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं, पर अब तो लिखा है आकाश को भी हिलाऊंगा, आकाश को भी हिला दूंगा। लिखा है, और यह वाक्य एक बार फिर लिखा है, एक बार फिर जो शब्द यहाँ पिछली आयत में हमने पढ़ा 26 में, कि एक बार फिर क्या बताता है, इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी। जो वस्तुएं हिलाई जाती है, क्या लिखा है, वे सृजी हुई वस्तुएं, वे सृजी हुई वस्तुएं, मतलब देख सकते हैं उसको, सृजी हुई वस्तु को हम देख सकते हैं, जो टेम्पररी है, बाइबल कहता है क्षणिक है, वो इसलिए हिलाई जाती है। क्यों हिलाई जाती है? ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। क्या है जो हिलाया नहीं जा सकता है और अटल बना रहेगा? आपका और मेरा विश्वास, वो हिलाया नहीं जा सकता है, वो अटल बना रहे। और इसीलिए प्रभु उन हर एक को हिलाना चाहता है इस समय में, अंतिम समयों में, कि जो लोग अभी भी गंभीर नहीं है, अपनी चाल को संबंधित, अपने विश्वास की चाल को लेकर गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। अरे चलता है, सब चलता रहेगा जीवन में, क्या है, चढ़ाव उतार आते रहते हैं, पर ये वो वाले चढ़ाव उतार नहीं है प्यारो। ये अंतिम समय की बातें हैं। एक एक व्यक्ति कान खोलकर सुन ले, हाउस ऑफ ब्रेड की कलीसिया पर ये वो चढ़ाव उतार नहीं है, ये बहुत बड़ा भारी बदलाव आ रहा है। लिखा है इट्स अ प्रोफेटिक वर्ड, ये आपके सामने भविष्यवाणी का एक शब्द है जो आपके सामने आया है आज। लिखा है इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, क्या लिखा है वो ध्यान से सुनिए, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे जिसके द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भक्ति और भय सहित, मतलब आदर सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं गाना गाने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, ऐसी सेवा कर सकते। आराधना का मतलब है परमेश्वर को महिमा देना, सेवा करना उसकी, जिससे वह प्रसन्न होता है। मूसा के जीवन से प्रभु प्रसन्न हुआ, पर एक बात उसने अपने जीवन में ऐसी की, प्रभु वहां नाखुश हुआ और परमेश्वर ने मूसा को वचन के प्रदेश में प्रवेश करने से मना कर दिया। वहां पर पुराने नियम की बात है, हालांकि नए नियम में परमेश्वर ने नई वाचा से हमें उसके साथ जोड़ा है, पर यहाँ पर जो मूल बात है उसको हम समझने का प्रयास करना चाहते हैं। परमेश्वर का मन, परमेश्वर का हृदय, वो क्या कह रहा है। इसीलिए 29 में लिखा है क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग है। बोलिए भस्म करने वाली आग, बोलिए भस्म करने वाली आग। यस, वो भस्म करने वाली आग है। यार ये समझने वाला, बहुत बहुत समझने वाला सवाल है ये बात, इस बात कि एक बार फिर प्रभु हिलाने वाला है। और इसीलिए प्यारा, एक बार फिर हिलाने वाला है, हमें क्या करना, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। 2020 तो गुजर गया, 2020 तो शायद पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने इस समय को, इस साल को एक आशीष के रूप में देखा। हाँ, कठिनाइयां तो बहुत पड़ी है यार, बहुत दुख उठाए लोगों ने, पर बहुत सारे लोगों ने इस समय को फाजल समय, मतलब फिजूल का समय नहीं बनने दिया। उन्होंने इस समय का बहुत अद्भुत तरीके से उपयोग किया है, अपने आप को परमेश्वर में, परमेश्वर के वचनों में अपने आप को जड़ पकड़ने दिया, परमेश्वर में बढ़ाया है, परमेश्वर के वचनों से अपने आप को सुसज्जित किया है, एक नई गहराई को हासिल किया, एक नए आयाम में उन्होंने प्रवेश किया। पता नहीं आप में से कितने लोगों को कंटाल आ रहा होगा पिछले साल प्रभु के वचन पढ़ने से, कितने फिजूल समय आपने और किसी ने कितने लोगों ने बिताए होंगे। पर प्रभु जो चाहता है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये नया साल जैसा भी हो पर एक निर्णय के साथ हमें आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है वो बात परमेश्वर हमें आज सिखाना चाहता है, उसकी और हम ध्यान ले जाएंगे अपना। मेरे ख्याल से आधा समय तो मेरा निकल चुका है इन बातों के पीछे। आइए हम और भी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें, ये जो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है अगर आज पूरा ना कर पाए तो हम अगले रविवार को इसको तैयारी करेंगे, पर अभी जितनी बातें प्रभु हमें सिखा रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिलिपियों की पत्री आप निकालेंगे, 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 17 से 20 पढ़ेंगे। फिलिपी 3 और 17 से 20। क्यों इस साल को हमें गंभीरता से लेना है, क्योंकि पिछला साल तो हिला के रख दिया है, आने वाले साल हिलने की तीव्रता शायद और भी बढ़ जाए, हिलने की तीव्रता और भी बढ़ सकती, पर वो लोग नहीं हिलेंगे जो परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर लिए हुए, वो लोग नहीं हिलाए जाएंगे जो जिनका विश्वास उन्होंने परमेश्वर के वचनों में जड़ पकड़े हुए रखा है, दृढ़ बनाया है अपने विश्वास को, है ना। उन पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम सब स्थिर हो चुके। हर एक व्यक्ति को अपने आप को स्थिर बनाए रखना और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाने की प्रक्रिया में जारी रखना है। बलवंत हो गए, एक आयाम पर, एक लेवल पर पहुंच गए, पहाड़ की चोटी पर, पूरा नहीं हो गया है, हमें वहां से और भी बलवंत अवस्था में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यह आत्मिक युद्ध है। यह एक आत्मिक युद्ध है जो बाहर का जो समय आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आत्मिक युद्ध का समय है, जिसमें आप और मैं सुबह से शाम तक, जब हमारी आंखें बंद नहीं होती, हमारा वो युद्ध जारी रहता है और यह युद्ध जारी रहेगा। देखिए फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 17 से 20 हम पढ़ते हैं। क्यों हमें तैयार रहना है, क्यों ये सब बातें लिखा है पौलुस ने। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। किसकी पहचान रखो? जो इस रीति पर, मतलब मेरे जैसा जीवन जीते हैं, उनका ध्यान रखो। और लिखा है जिसका उदाहरण तुम हम में पाते। लिखा है कि जो एग्जाम्पल आपने, आपके सामने पौलुस ने रखा है, वैसा जीवन आप जियो। पौलुस ने जो किया है, आप पढ़े पत्रियां शुरू कर दे, उसमें जहां पर जो बातें रखी है आपको समझ में आने लगेगी। उसका एग्जाम्पल लेकर चलना है। क्योंकि 18वीं आयत आप देखें। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। देखो, ऐसा कुछ हो रहा था उस समय और आज भी हो रहा है। उस समय पौलुस ने इन वचनों के द्वारा लिखा है कि चर्चा बार बार की है। ऐसे लोग हैं। कैसे लोग? लिखा है उनके बारे में, अब भी रो रो कर कहता हूं। प्यारा, ऐसा क्या था कि रो रो कर पौलुस को बोलना पड़ रहा था? ऐसा क्या था कि पौलुस के बोलते बोलते आंसू निकल आते थे, रो पड़ता था वो? ऐसा क्या था प्यारो कि वो रो पड़ता था, कि वो रोते रोते उसको बोलना पड़ रहा था ये सब बातें? लिखा है कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के प्यारी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, परमेश्वर के दास होने के नाते, क्या आपकी चाल चलन मसीह के क्रूस के बैरी के समान है? आप बोलोगे नहीं रे, मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, प्रभु के पीछे चलता हूं। ऐसा तो संभव है ही नहीं कि मैं मसीह के क्रूस का बैरी हूं। देखो, मैंने तो क्रॉस भी पहना है, मेरे तो कान में भी, इयरिंग्स में भी क्रॉस है। अरे, क्रॉस लगाने के लिए नहीं, क्रूस लेकर चलने की बात प्रभु ने की। लिखा है कि ऐसे लोगों के कारण, ये पौलुस रो रो कर चेतावनी देता है कि ऐसे लोग मसीह की क्रूस के बैरी है और वो उनके लिए क्या लिखा है कि क्रूस के बैरी, अगर आप इसमें से हो तो सचेत हो जाइए। 2021 के साल में बहुत कुछ घटनाएं घट सकती है आपके जीवनों में, और अगर आप अपने आप को संभाल लेना चाहते हो, स्थिर रखना चाहते हो, तो इस वचनों पर बहुत गौर कीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? मसीह की क्रूस के बैरी है वो हमें नहीं बनना है, हमें उस दशा में से अपने आप को बाहर ले आना है। अब क्रूस के बैरी कौन? मसीह की क्रूस के बैरी। लिखा है जो लोग प्रभु को सताते हैं, आज दुनिया में देखे जाते हैं, मसीहियों पर सताव लाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या है? ये कलीसिया के अंदर ही है। उनका अंत विनाश है। लिखा है उनका अंत विनाश है। लिखा है उनका ईश्वर पेट है। पहला है अंत विनाश है उनका ईश्वर पेट है, मतलब वो पेट के लिए ही सेवा करते हैं, पेट के लिए ही काम करते हैं, पेट के लिए प्रभु को महिमा देते हैं, मतलब स्वार्थी संबंध प्रभु के साथ रखते हुए। फिर लिखा है वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। ऐसी बातें हैं कि जो योग्य नहीं, जो प्रभु पसंद नहीं करता, उन पर उनको गर्व करने का मन होता है। मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, अरे देखो मैं वो मैंने ऐसे भरे हुए हैं ना, ऐसे लोगों की बात जो हमेशा मैं करते रहते हैं। अभी मैंने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह की जरूरत है। हमें मैं से बाहर आकर यीशु में जाने की बात। सो अपने आप को कट कीजिए, यीशु को वहां जोड़िए अपनी वार्तालाप में, अपनी चर्चाओं में। क्या लिखा है? वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी की वस्तुएं हिलाई जाएगी ताकि वे हट जाए। प्रभु हिला के रख देगा जिन जिन लोगों का ध्यान इस नए साल में पृथ्वी की वस्तुओं पर है, जिन्होंने पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाया है, और आज भी वही उसी में जारी है। आपको बहुत भयानक रूप से हिलाया जा सकता है, मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, पर ये प्रभु ने मुझे बताया है और हमारा फर्ज है, हाउस ऑफ प्रेयर के चरवा है, पास्टर होने के नाते, कि आप लोगों को और जिन जिन लोग जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को आगाह कर दे पृथ्वी की वस्तुओं पर। ये क्रूस के बैरी है। ये सब लोग कौन है? क्रूस के बैरी है, कि जिनका ईश्वर पेट है, जिनका अंत विनाश है, और अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। चार बातें मसीह की क्रूस के बैरी। और भी आगे है इनके लिस्ट में, हम उसको देखना चाहेंगे। क्यों 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 भाई ये करने की जरूरत है? क्योंकि इसका जवाब हमें फिलिपियों की पत्री उसके 20वीं आयत में मिलेगा। क्यों? क्योंकि 20वीं आयत ये कहती है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। पता है ना, आपका स्वदेश ये संसार नहीं है। आपने यीशु की पहचान पाई, इसका मतलब है कि आपको संसार से प्रभु यीशु ने बाहर निकाल लिया है। अब आप संसार के नहीं हो। आपका स्वदेश, आपकी सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता हेवन है, स्वर्ग है। और इसीलिए लिखा है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाले समय में इस दुनिया में घटने वाली, और वो है यीशु मसीह का फिर से लौटना आना। पिछले साल में अगर आपने अटेंड किया हो तो समर पीरियड में और उस समय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित बहुत सारी बातें प्रकाशित वाक्य में से हमने अभ्यास के रूप में सीखी थी। बहुत कुछ शायद आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, समझा होगा कि भाई हाँ, ये सब बातें जो हो रही है यीशु मसीह के आने के संकेत है कि अब उनका आगमन बहुत निकट है। और प्यारो, हम कहे कि प्रभु का आगमन सच में बहुत निकट। हम इतिहास में जितना यीशु के आगमन के बारे में सुने थे उससे और बहुत करीब कभी भी न था। उतना करीब हम आज उसके आगमन के पहुंच चुके हैं। पर उस समय क्या होगा वो सब हमने उस समय पिछले साल सीखा था कि प्रभु अपने लोगों को उठा लेने वाला है। पृथ्वी पर से बहुत सारे मसीही लोग, सभी मसीही लोग नहीं, बहुत चुनिंदा लोग अदृश्य होने वाले। पूरी की पूरी कलीसिया नहीं होगी। अभी समझ में आ जाएगा आपको कि कौन जाएगा कौन रह जाएगा। और ये सबसे बड़ा भूकंप होगा, ये सबसे बड़ा भूकंप होगा आपके जीवन में। डोंट नो ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु का आगमन कितना करीब है, पर बहुत करीब है, मैं ये बोल सकता। अपने आप को तैयार रखना, वहां से आने की बात जो रही, क्या आप देख रहे हो? क्या आप देख रहे हो? नहीं तो उसके तैयारी करते हो। क्या लिखा है 21 में लिखा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव, क्या होगा उस समय, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को, देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना दे। उस समय यह घटना होगी कि हमारी दीनहीन देह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या होगा? लिखा है उसकी, प्रभु यीशु की महिमा की देह के अनुकूल वो बना दे। 3 और 21 में लिखा है, और वो घटना क्या है? रक्षक की बात। पौलुस यहाँ पर वो बता रहा है कि आप उस घड़ी के लिए तैयार रहो, क्योंकि मसीह के क्रूस के बैरी तैयार नहीं है। वो लोग किसी भी हाल में इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनका रिलेशन स्वार्थी है। देखिए, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? मैं आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा संबंध प्रभु के साथ प्रेम का है। मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ कि स्वार्थ का रिलेशन है। देखिए, हमारी प्रार्थना में ज्यादातर डिमांड, हमारी मांगे ही ज्यादातर नहीं। हम कुछ मांगने के लिए परमेश्वर के पास आते, पर हमें वो नहीं कि भाई चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं प्रभु, हमें तो तू चाहिए, हम तो तुझसे मिलने आए। क्या ये बात हुई है? ये उद्देश्य रहा है क्या हमारा? ये उद्देश्य क्या रहा है आपका? हमारा रिलेशन प्यारो कहीं ना कहीं स्वार्थी रिलेशन है। हम मांगने को जाते हैं, हमें इस क्यों प्रभु के पास? क्योंकि हमें कुछ चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है, इसके कारण हम असंतुष्ट हैं। अरे प्यारो, प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाहट दी है। उसको क्या हम सच में उसको प्रेम कर रहे हैं? प्रेम करने वाले लोग मांगते नहीं है, प्रेम करने वाले लोग देते हैं। और उसका सही उदाहरण प्रभु ने अपने आप को इस संसार के लिए अर्पित करके बताया कि उन्होंने अपने आप को दे दिया हमारे लिए। ये इतना बड़ा प्रेम उन्होंने किया। तो प्यारो, प्रेम का संबंध यही है कि हम प्रभु को इतना चाहते हैं, नहीं? हम मांगने के लिए प्रभु के पास। यह एक पैरामीटर है। आपकी प्रार्थना को चेक कीजिएगा कि आप प्रार्थना में क्यों बैठे? कुछ चाहिए इसलिए बैठे ना? हमारा संबंध स्वार्थी, उसको सुधारिए, करेक्ट कीजिए प्यारो। ये नए साल में नहीं चलेगा, करेक्ट कर लिए, इसको निकालिए इन सब बातों को। और ये रूपांतरण, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब यीशु मसीह आएगा, हमारी दीनहीन देह का अपनी महिमा की देह में रूपांतरण करना, ये पवित्र आत्मा से होने वाला है। और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के अंकुश में रहना है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना, उसके नियंत्रण में रहना है। क्या आप उसके नियंत्रण में हो कि आप पवित्र आत्मा को चला रहे? यारो, खाली फायर फायर बोलने से फायर नहीं आ जाएगी। फायर फायर बोलने से फायर नहीं आ जाते। हम शायद 2-4 लोगों को इम्प्रेस कर लेंगे फायर बोलने से, यस लॉर्ड बोलकर, पर हमारा परमेश्वर सब जानता है हमारे दिलों को कि हम कितने उसमें जड़ पकड़े हुए। हम उसको प्रेम करते हैं कि हम अपने आप को ज्यादा प्रेम करते हैं। जो अपने आप को ज्यादा प्रेम करते हैं वो अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे, पर जो यीशु को प्रेम करते हैं वो हमेशा यीशु को ऊंचा दिखाएंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि मेरा कोई नाम ले ना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे यीशु का नाम आना चाहिए। लोगों के जुबान पर मेरा नहीं, पर यीशु का नाम। अगर ये उद्देश्य है आपके जीवन का, तो आप तैयार हो गए। और इसमें बनाए रखने वाली बात अपने आप, यीशु मेरा नाम नहीं आए, प्रभु प्रभु मेरा नाम कोई ना जाने, यीशु तेरा नाम जाने। बहुत कठिन होगा प्यार, ये सब बात तैयार होना है, नहीं तो बहुत भारी संकट में से गुजरना पड़ सकता। देखिए, पिछले दिनों में कुछ बातें, अब हमें क्या करना चाहिए जो पौलुस ने किया वो करना पड़े। कौन उठाया जाएगा, कौन ले, इसको प्रभु लेंगे, नहीं ये हम देखेंगे। पर एक बात परमेश्वर ने पिछले समय में मेरे साथ बहुत बहुत भयानक रूप से व्यवहार किया है मेरे साथ। पिछले साल के अंतिम दिनों में 18 दिसंबर की रात को की कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा, मेरे पास कम समय है। 18 दिसंबर की रात को 3 बजे के आसपास करीब मेरी आंखें खुल गई और मैं ये अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं बोला, पर प्रभु ने जो बातें बताई है वो आपके सामने रखना, मैं आज हल्का हो जाना चाहता हूँ। 3 बजे के आसपास मेरी आंखें खुल गई और मुझे लगा कि होगा कुछ, चलो सो जाते हैं, आराम से सोते हैं, क्यों इतने दिनों से मैं जाग रहा हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। और मैंने अपने आप को सोने दिया। आप नहीं मानोगे, मैंने शायद 1-सवा घंटा तक इधर उधर बिस्तर में करवटे मारता रहा मैं, पर मैं नहीं सो पाया। और अचानक सडनली ऐसा कुछ हुआ कि जैसे मुझे अंदर से कुछ हो रहा, तू उठ जा और मेरे पास बैठ, ऐसी आवाज अंदर से आ रही थी, तू उठ और मेरे पास बैठ, तू उठ और मेरे पास बैठ। 18 दिसंबर की रात की बात कर रहा हूँ मैं। और तुरंत ही मैं अपने आपे में आया और मैं उठ खड़ा हुआ, हाथ मुंह धोकर प्रभु के चरणों में जाकर बैठ गया। आप नहीं मानोगे, मैं जब बैठ रहा था घुटने पर, तब मैंने कुछ, तब अभी बैठा नहीं हूं उससे पहले ही मेरे सामने जैसे थिएटर में हम मूवी देखने गए हो, आप जैसे बहुत सारे लोग, ऐसे मेरे सामने बहुत सारे सीन्स आने लगे, कुछ वीडियोस आने लगे मेरे सामने। मतलब मैं देख रहा था कि कुछ हो रहा है बाहरी दुनिया में, कुछ भयानक बात हो रही। और मैं करीब 4 से 4:30 के बीच में रात में मैं जब बैठा तो एक के बाद ऐसा अनुभव मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में कभी मैंने नहीं किया, ऐसा अनुभव उस समय हुआ मुझे। और प्रभु ने वहां पर ऐसी बात बोली कि बहुत भयानक समय आने वाला है। चल तो रहा है, भयानक समय चल ही रहा है ये, पर और भी भयानक समय आने वाला है। और उसके बाद एक के बाद एक, जैसे विजन परमेश्वर दिखाता गया, एक के बाद एक दर्शन मेरे सामने बदलते गए। उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलीसिया सावधान हो जाइए। परमेश्वर ने मुझे बताया कि मिनिस्ट्री सबसे पहले दिखाया, सबसे पहले मैंने देखा कि बहुत लंबा जो एक शहर को भी मतलब अपनी कुंडली में ले इतना भयानक अजगर, जो यूं एक के बाद एक कुंडली ले रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है। और मुझे पता चला कि ये तो अजगर है और ये कुंडली मार रहा है। और ऑलमोस्ट उसकी कुंडली, बस आखिरी कुंडली पूरी हुई, उसकी आखिरी कुंडली पूरी हुई और अब वो सकंजा कसने की तैयारी में था। ये बात मैंने देखी वहां पर। दूसरी बात, प्रभु ने तुरंत ही दूसरी बात मुझे दिखाई कि मिनिस्ट्री में लोगों की हालत ऐसी हो गई है आज सेवाकाई में, देखने के बावजूद वो देख नहीं रहे और सुनने के बावजूद वो सुन नहीं रहे, ऐसी स्थिति मिनिस्ट्री की हो रही है। बाहर जो सेवकाई चल रही है, मैं ऐसा नहीं बोला गांव सुप्रेंट की है या किसी की है, पर मिनिस्ट्रियों की हालत, प्रभु ने ये बताया कि मिनिस्ट्रियों की हालत ऐसी हो रही है कि बहुत सारे, सबकी नहीं, बहुत सारे मिनिस्ट्रियों की हालत ऐसी है कि देखने के बावजूद वो देख नहीं रहे और सुनने के बावजूद वो सुन नहीं पा रहे। दूसरा, परमेश्वर ने बताया कि झूठी धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज, एक ऐसी जाड़ी जंजीर थी चौड़ी जो जकड़े हुए है बहुत सारे लोगों को, विशेषकर जो विश्वासी जीवन में आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे लोगों की बात जो एक समय पर अपने आप को बहुत प्रभु में बलवान समझे, उन ऐसे लोग कि झूठी धार्मिकता के बंधन में आकर वो फंस गए। तीसरी बात, परमेश्वर ने ये बात दिखाई उसी समय वहां पर कि बहुत बड़ी गहरी खाई मैंने देखी, वादी देखी, और उस वादी में बहुत सारे लोग वहां पर पांठे मार रहे, मतलब तफड़ रहे थे। उस वादी में ढेर सारे लोग थे जो तफड़ रहे थे, और ये ऐसे लोग थे जो एक समय पर पहाड़ की चोटी पर थे, एक समय पर पहाड़ पर बसाए नगर के समान ऐसे लोग थे, पर वो आज उस वादी में जा गिरे थे। मैंने सारी बातें जितनी मुझे याद रही है उनको नोट कर ली है। उसी समय मैंने सुबह 6 बजे नोट कर लिया था जब दर्शन पूरा हुआ था। और बहुत सारे लोग उस टोच से वहां पर गिर पड़े हैं और इनके ऊपर ये क्यों ऊपर नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी झाड़ियां छा गई, इनके ऊपर बहुत सारी झाड़ियों ने कवर कर लिया। अब उसी समय परमेश्वर ने मुझे यह बात याद दिलाई, बीज बोने वाला जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और उसमें मरकुस 4:18 में लिखा है कि जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना, पर लिखा है और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समा गया, वचन को दबा दिया और वह निष्फल हो गई। ये लोगों की निष्फलता की वजह यह बनी थी कि संसार की चिंता, संसार मतलब संसारिक बातों के पीछे भागदौड़, दूसरा धन का धोखा, पैसों के पीछे भागना, पैसे 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 कैसे अच्छा कमा लो, मैं कैसे एक मुनाफे से 2 मुनाफे में तब्दील करूं और 2 से 10 में मैं तब्दील करूं, मुनाफे की ओर उनका ध्यान रहा, और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समा गया और इस कारण से बहुत सारे वचन निष्फल गए। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद क्लेम करते होंगे प्रॉमिस, आपको आदत होगी, पर कुछ होता नहीं होगा, क्लेम करने के बावजूद कुछ होता नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वचन निष्फल हो रहा है। हमारे जीवन में ही इतने ब्लॉकेजेस हमने पाल कर रखे हैं कि जिसकी वजह से वचन बाहर नहीं आ रहा है, वचन फेल नहीं जाता है। ये बात सही है, पर प्रभु ने जो बात बोली है वो बिल्कुल खरी है, ये बात है। दूसरा जो दर्शन में प्रभु आगे दिखा रहा था कि बहुत सारे लोगों का जो समय है कलिसिया में, दे आर ऑक्यूपाइड माइंड्स विद वर्ल्डली थिंग्स एंड थॉट्स, उनकी आंखें वर्ल्डली थिंग्स सांसारिक चीजों से भरी हुई थी और उनसे बंधी हुई थी। उस समय प्रभु ने यह बात बोली कि ऐसे ही लोग जिएंगे इस समय में, ऐसे ही लोग विजयी बनकर बाहर आएंगे जो लोग वचन में गहरे होंगे और उसका नाम का उपयोग करने वाले, क्योंकि ये दो चीज फेल नहीं जाएगी, वचन और यीशु का नाम, बाकी सब कुछ फेल हो जाएगा। अगर आप वचन पर खड़े रहने की आदत नहीं है आपको, हो सकता है आप बहुत भयानक रूप से गिरो। 2021 आपको डराने के लिए ये बातें नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु ने जो दिखाया वो है। वचन पर खड़े रहने की आदत आपको नहीं है, बहुत भयानक रूप से गिर सकते हैं, बहुत भारी पतन आ सकता है। और प्रभु ने बताया इन दिनों में ये इन दो से ही जीने वाले दिखेंगे, बाकी सब लोगों का आत्मिक पतन और सब तरीके का पतन, या तो पायमाली हो सकती, बर्बादी हो सकती। और कलीसिया के लिए प्रभु ने वहां पर बोला, कलीसिया के लिए बहुत सीरियस टाइम है। दैट इज व्हाई प्रभु ने ये बात आपके सामने रखने का बर्डन मुझ पर डाला। उन 18 तारीख के बाद मैं बेचैन हूं कब से कि प्रभु मैं बोल नहीं पा रहा इन बातों को, प्रभु तू सही समय पर इन बातों को रखने का अनुग्रह दे। महाराज ये बातें आपके सामने, मेरा टाइम शायद अब थोड़ा ही समय बचा है मेरे पास, 2-4 मिनट, पर 2-5 मिनट बचे, पर इन बातों को गौर करना कर लेना चाहते हैं। कलीसिया के लिए बहुत गंभीर समय, बच्चों को सिखाने का समय है ये। देखिए बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को मास्टर दूसरी चीजों में आप बना लोगे, अच्छा है, बड़ी बात है, बहुत काम में आएगा, पर यीशु में मास्टर बनाइए। यीशु के वचनों में अपने बच्चों को मास्टर बनाना शुरू कर दे, सिखाइए। संडे स्कूल टीचर्स, आप लोगों के लिए भी ये वार्निंग है कि अपने आप को बच्चों को सिखाने के लिए प्रभु ने जो वरदान आपको दिया है जारी कर दे, उसका उपयोग करना जारी रखें, क्योंकि नई पीढ़ी है जो आने वाले समय में उजाला बन सकती है। अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाले समय बहुत विपरीत समय होगा, वहां पर उनके पास कुछ नहीं होगा, वचन नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं है उनके पास, और कोई अगुवाई देने वाला नहीं होगा, बहुत भारी अकाल होगा। तो अभी से उन बच्चों को तैयार करें। ऐसा मत सोचना कि ये बच्चे बड़े होकर प्रभु इनका उपयोग करेगा। अभी से प्रभु उपयोग करना चाहता है बच्चों का। आप क्या सोच रहे हो? आपके बच्चों का प्रभु अभी से उपयोग करना चाहते हैं। आप तैयार कीजिए, आप बीज बोइए उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए, नई आदतों को उनके जीवन में डालने के लिए अपना प्रयास शुरू कर दीजिए प्यारों। दूसरी चीज परमेश्वर ने दिखाई, बहुत सारी कलिसियां ऐसी है जिनकी हालत उस गहरी खाई में जो हड्डियां थी इज़ीकियल में 36वें अध्याय में बताई थी कि उस खाई में जो हड्डियों से भरी हुई, मतलब वो खाई थी, ऐसी हालत, स्केलेटन्स थे चारों तरफ बिखरे हुए पड़े। सब डिटेल में नहीं देखेंगे, आप इज़ीकियल 36 निकाल कर पढ़ लेना। दुनिया और प्रभु ने ये बात बोली कि दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्टिंग होने वाला है, बहुत बड़ा शिफ्टिंग होने वाला है। पिछले समय समर पीरियड में मैं मेरे सोफे पर सो रहा था और अचानक सुबह मैं उठ गया, सब उठने का समय था, और उठकर मैं बड़बड़ा रहा था और मन ही मन में बड़बड़ा रहा था कि देयर इज अ ग्रेट शिफ्टिंग, आगे बहुत बड़ा शिफ्टिंग आ रहा है, अपने आप को शिफ्ट करो, अपने आप को शिफ्ट करो, ऐसी आवाज मैंने सुनी थी उस समय। और मैं उठ गया, मैंने ज्योति को, मेरे वाइफ को बुलाया, ज्योति सब चेंज करो, ये अभी प्रभु बहुत बोल रहा है कि शिफ्ट करने का समय आ गया, पता नहीं क्या होने वाले। पर शिफ्टिंग, अगर आपको आपका घर शिफ्ट करने का हो तो आप कैसे तैयारी करते हो? पहले तो कोई घर को फिक्स करते हो आप, फिर आप अपने घर को खाली करने की, शिफ्ट करने की तैयारी शुरू करते हो। प्यारो, अपने आप को फिक्स कीजिए, ये फिक्स करने का समय है, अपने स्थान को फिक्स कर लीजिए। बहुत ही भयानक अंतिम समय में से गुजर रहे हैं और विश्वासियों के लिए एक अलार्म है ये कि गंभीर हो जाए, ये बहुत बड़ी नीड है इस समय, ये बहुत बड़ी नीड है इस समय की, बहुत बड़ी नीड है विश्वासियों के लिए। बी सीरियस अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आत्मिक जीवन को लेकर गंभीर बन जाइए, वचन से अपने आप को भरपूर कीजिए, क्योंकि अंधेरे में उजाला वचन ही लाएगा। ये सब परमेश्वर के वचन है जो प्रभु ने मुझे उस दर्शन में बता रहे थे, बोल रहे थे, मैंने लिखे हुए। अंधेरे में उजाला वचन के द्वारा होगा। जिनकी जड़ें वचन में मजबूत होगी वो उजाला का कारण बनेंगे, उनके परिवार में उजाला रहेगा, अंधकार थोड़ा भी प्रवेश नहीं करेगा। वचन के बगैर जो लोग हैं वो फिसल जाएंगे, वो गुजराती में क्या फसड़ाई पर से, क्योंकि उनको खड़े रहने की जगह ही नहीं है, इसलिए वो उसी गहरी वादी में धकेले जाएंगे, क्योंकि वो खड़ा रहना नहीं सीखे। तो उस पहाड़ की टोच पर खड़े रहना, कैसे अपने आप को स्थिर रखा जाए, उन्होंने सीखा नहीं है। नाम तो कमा लिया पर अब उसको डाइजेस्ट कैसे करें वो नहीं सीख पाए। अच्छा नाम ही सब कुछ नहीं है प्यारों, सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है। ये सब बातों के दौरान प्रभु ने मुझे आवाज दी, अपनी वाइफ को उठा, तुरंत मैंने फोन किया, वो राजस्थान में थी और हमने मिलकर वहां पर प्रार्थना में जारी रहे। पता नहीं क्या शब्द प्रभु बुला रहे थे और बहुत भयानक समय गुजरा है, मुझे पता है। करीब 6:10 को मैंने ये सब बातें नोट की और वापस प्रेयर में बैठ गया और लगभग 8 बजे के आसपास, 8:15 तक सब कुछ जारी रहा। यह आखिर में एक बात परमेश्वर ने वहां पर मुझे बताई, कलीसिया, ध्यान से सुनिए, वेरी केयरफुली, कलीसिया और परिवार में से लोग तैयार हो जाए, अपने आप को परमेश्वर के वचनों से सुसज्जित करें, सक्षम करें। दिस इज अ सेट अपार्ट टाइम, होली, होली का मतलब है सेट अपार्ट, अलग किया हुआ। अपने आप को अलग करें परमेश्वर के वचनों को भरने के लिए, अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए अपने आप को अलग करें, क्योंकि प्रभु उसको लेने आ रहा है जो कलीसिया है, और कलीसिया भी वो कलीसिया जो तेजस्वी है। सुन लीजिए ध्यान से, जो तेजस्वी है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और 27वीं आयत पढ़ेंगे। इफिसी 5 और 27 निकालेंगे। इफिसी 5 और 27 क्या लिखा है? और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक है, न झुर्री है, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। न कलंक है, न झुर्री है, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तेजस्वी कलीसिया कैसी है? कैसी है? क्या लिखा है? न कलंक है, झुर्री है, न ऐसी वस्तु है, वरन क्या है? पवित्र और निर्दोष। इसके बारे में अगले समय में इसका हम अभ्यास करेंगे कि यह हकीकत में है क्या, है ना, तो उसको हम देखेंगे। पर यह कैसे बन सकती है? तो उसका जवाब 26वीं आयत में लिखा हुआ है कि यह बनने का एकमात्र जरिया है परमेश्वर का वचन का बपतिस्मा लेना। अपने आप को वचन को अंदर डुबो दीजिए, लिखा है, उसको वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। पवित्र कैसे बनाएगा? वचन के द्वारा जल के स्नान से मतलब वचन का बपतिस्मा। आप में से कितनों ने बपतिस्मा लिया, पानी का डूबता बपतिस्मा ले लिया? हाँ, बहुत वेरी गुड, नाइस। पर वचन का बपतिस्मा लिया आपने? क्या लिया आपने वचन का बपतिस्मा? मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या वचन पढ़ने का बहुत अच्छा मूड रहता है आपको, कि कभी कभी रहता है, कि कभी कभी चलता है, चला लेते हैं? क्या सिर्फ क्वाइट टाइम करने के खातिर आप क्वाइट टाइम करते हो, और क्वाइट टाइम करने के बाद ऐसा तो हो आज का पूरा हो गया मेरा? क्या आप परमेश्वर को एक स्टूडेंट के रूप में प्रेजेंस भरवाने चाहते हो परमेश्वर के आगे? प्रभु कभी भी नहीं चला गया प्यार, हम हमारी धार्मिकता पर आधार रखकर बैठे हुए, और पौलुस ने जो किया वो 2 मिनट में हम देखकर पूरा करेंगे। मुझे माफ करना, कुछ समय एक्स्ट्रा जा रहा है, पर परमेश्वर के आत्मा के दबाव में ये सब बातें मैं बोल रहा हूँ। और जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं रहना है वो अभी ही जा सकते हैं, अभी भी बंद करके जा सकते हैं। जिनके पास डेटा नहीं है, मेरा निवेदन है कि आप बंद कर दीजिए फोन, क्योंकि आपका डेटा चला जाएगा। आपका डेटा बच जाएगा, हो सकता है आप ना बच पाओ, है ना। आप डेटा बचाने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में बहुत कुछ गवा दोगे इस साल में। तो अपने आप को तैयार रखिए प्यारो। हमारे पास इतने पैसे भी हम नहीं खर्च कर सकते डेटा एक्स्ट्रा डलवाने के लिए, तो अफसोस की बात, ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का समय है कलीसिया के लिए। मुझे पता नहीं ये बात क्यों मैं बोल रहा हूँ, पर अगर आपको लेट हो रहा है तो अभी ही आप लॉग आउट हो जाइए, अभी आप लीव हो जाइए, आप फ्री हो, यू आर वेरी फ्री। हम किसी को बांध कर रखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा प्रभु भी किसी को बांध कर नहीं रखता है ना। पवित्र आत्मा को आप बांध नहीं सकते, और समय में किसी भी चीज में पवित्र आत्मा स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता लाता है। देखिए यहाँ पर क्या बात हमें ध्यान में रखनी है, आखिरी बात है, उसको बोलकर हम दुआ में जाने वाले हैं। क्या करना है, क्या करना है हमें? देखिए फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय और 7वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। पौलुस ने जो जो किया वो उन आदतों को ला दीजिए, और वो आदतें ये, जब वो दर्शन प्रभु ने बताया वहां पर तुरंत प्रभु ने यहूदा की पत्री मेरे सामने खोल कर रख दी वहां पर, और यहूदा की पत्री में से बहुत सारी बातें बताई परमेश्वर ने, वो हम बाद में देखते हैं। पर यहाँ पर जो हमें करना है कलीसिया को और विश्वासियों को, ये बात प्रभु ने बताई। 3रा अध्याय 7वीं आयत से पढ़ते, फिलिपी 3 और 7 से लिखा है, ये आदत हमारे जीवन में लाने की बात है। जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो जो बातें आपकी लाभ की थी उन्हीं को मसीह के कारण हानि समझ लिया। अरे हो सकता है प्रभु को वचन को पढ़ने का समय ना हो, पर नौकरी करने का समय हो हमारे पास, जॉब करने का समय हो हमारे पास, बहुत कुछ करने का समय हो, पर प्रभु की सेवा करने का और प्रभु को महिमा देने का समय हमारे पास ना हो। पर यह समय अब आ गया है कि हम उन बातों को हानि समझें, जो चीजों में समय बिताना हम ज्यादा दोस्तों के साथ नहीं, ऐसे लोगों के साथ जो क्रिटिक्स बन गए हैं, क्रिटिसाइज करना जिनको बहुत अच्छा लगता है, किसी की बात इधर नहीं इसकी बात उधर करने का जिनको मन कर रहा है, चौंक जाना आप लोग, सचेत हो जाना। यह आदत प्रभु चाहता है, अदरवाइज बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, परंतु मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, उसकी पहचान में जो उत्तमता समय है वो कहीं नहीं है प्यारे। और वचन ही रिवील कर सकता है कि यीशु कितना उत्तम है, पर हमें आज तक पता नहीं। हमें तो इतना पता है कि यीशु चंदा करता है, बचाता है, समस्या से छुड़ाता है, इसके आगे हम बढ़े ही नहीं है। वो मेरे लिए मारा गया, बस कीमत चुका दी, पर मैं कीमत कब चुकाऊंगा? उसमें से हम बाहर ही नहीं आ रहे हैं। मेरी कीमत चुकाने की बारी कब आएगी? देखिए कहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर उसकी उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। क्या आप समझते हो? क्या फेसबुक को हानि समझते हो? व्हाट्सएप को हानि समझते हो? आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने को हानि समझते हो? हा हा ही फीफी करने की बातों को क्या हानि समझते हो आप? सीरियस, मैं नहीं बोल रहा हूँ प्यारो। जिस कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। जब तक कूड़ा समझने की आदत नहीं आएगी ना, हमारी आंखों का बदलाव होना बहुत जरूरी है। हमको तो जो अच्छा लगता है ना वो ही देखते हैं, पर जो अच्छा दिखता है ना प्रभु के राज्य में वो कूड़ा समान है भाई। इसीलिए प्रभु हिला रहा है कि जो टिकने वाला नहीं है ना वो सब निकल जाए, वो सब माइनस हो जाए, इसीलिए हिला रहा है। आप हिल रहे हो, सब वस्तु की हानि उठाए रोने, कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा इन बातों को कूड़ा समझते हुआ, वचन को, वचन के पीछे समय देने की बातों को कूड़ा समझ रहे आप। क्या समझ रहे आप? आप कहाँ हो? आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। कुछ और हासिल मत कर लेना प्यारो। देखना कलीसिया में ऐसे बैठे रह जाएंगे, संडे टू संडे अटेंड करते रहेंगे और हम कुछ और हासिल कर लेंगे, किसी और की चापलूसी खुशामद करते करते हम लोगों की वाहवाही हासिल कर लेंगे, पर यीशु की प्रसन्नता हमसे माइलों दूर हो जाएगी। हम यीशु का बढ़ाया हुआ हाथ क्या देख नहीं पा रहे प्यारो कि उसने हाथ बढ़ाया हुआ है? लिखा है पौलुस ये बात बोल रहा है अपने जीवन के अंतिम समय में, ये बात बोल, मैं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, मैं उसमें पाया जाना चाहता हूं। और लिखा है 10वीं आयत में, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्या लिखा है? उसकी मृत्यु की समानता को। क्यों क्यों मृत्यु की समानता को वो प्राप्त करना चाहता है? क्या है? अपने आप को मारना चाहता है, मतलब सेल्फ, अपना क्रूस उठाकर अपनी इच्छाओं को मारकर प्रभु के पीछे चलना चाहता है, प्रभु की सेवा में, प्रभु की महिमा में अपने आप को जारी कंटिन्यू रखना चाहता है। और इसीलिए वो यीशु की मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता है। क्या है बताइए क्यों? 4वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कुछ होने वाला है, ताकि मैं किसी भी रीति से एट एनी कॉस्ट मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचे। मरे हुओं में से जी उठने वाले कौन है? जब यीशु आएगा। यह तेजस्वी कलीसिया की बात, उस तेजस्वी प्रकाशमान कलीसिया की बात कि किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। और पौलुस ये बोलता है कि मैं उस रक्षण की घटना में, उस बात में शामिल होना चाहता हूं और इसीलिए किसी भी रीति से मैं अपने आप को उसकी मृत्यु की समानता में देखना चाहता हूँ, उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ। क्या दुख कर रहे हैं? बहुत दुख कर लिया, अब यीशु तेरे लिए दुख उठाऊंगा मैं, ये बोलिए आप। अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हो तो कहने वाले विश्वासी ना रहो। लिखा है ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचू। यह पौलुस आगे कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैं चोटी पर पहुंच गया और बहुत बड़ा अपोस्टल बन गया हूँ, अरे बस अब तो मेरे प्रभु तो मेरे यूं सुनेंगे, ये बात नहीं है प्यारो। लिखा है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ 12वीं आयत, या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा। किस पदार्थ को पकड़ने के दौड़े चले जा रहे हैं? अपने नाम को करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। किसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं? कस्टमर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं? किसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं? ताकि वो आप किसका इनाम, पृथ्वी पर का इनाम पाना चाहते हैं? इस वर्ग में प्रभु जो देना चाहते हैं वो इनाम। पौलुस कहता है उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसको पकड़ने के लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ लिया। आपको यीशु ने पकड़ लिया, पता है किस बात के लिए? उसने जो ठाना है वो करने के लिए। हमको तो पता ही नहीं है, हम तो चंगाई न, तकलीफ न, समस्या और हमारा दुखड़ा रोने में से बाहर नहीं आ रहे। लिखा है पौलुस कहता है कि भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता। पीछे जो हुआ है भूल जाए, जो भी हुआ भूल जाइए और अब यीशु की ओर दृष्टि कीजिए, उसके वचनों की ओर, और निशाना वो है उसकी ओर दृष्टि करके आगे दौड़े चले जाइए। धीरे धीरे ना चले, अब दौड़ने की बात, अब धीरे धीरे चलने की बात नहीं है, अब दौड़ने की बारी आ गई है, क्योंकि अब यीशु का आना भी उतना ही फास्ट, उतना ही और करीब हम होते हैं। आखिरी आयत जो प्रभु ने दर्शन में बताया कि यहूदा की पत्री 1 अध्याय, इनमें से अपने आप को अलग कर ले, इनमें से, इन लोगों में से, क्रूस के बैरी मत बनने देना अपने आप को। देखिए जब वो आएगा दूसरा आगमन 7 साल के अंत में, तब ये बात होगी कि 1 अध्याय यहूदा की पत्री और उसकी 14 और 15वीं आयत में लिखा है कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। किन लोगों को दोषी ठहराएगा प्रभु न्याय के समय? भक्तिहीन। जिनकी भक्ति खाली नाम की है वो भक्त नहीं है। ये लोग कौन है? भक्तिहीन का परिचय मैं आपको दूं तो 16वीं आयत इसका परिचय दे रही है वचन। भक्तिहीन लोग वो है जो असंतुष्ट है। असंतुष्ट किस बातों से असंतुष्ट है? अपनी कमाई से संतुष्टि नहीं है। बाजू वाले के घर को देखकर आपको लगता है मेरा भी कुछ हो जाए, संतुष्टि नहीं है। प्रभु ने जो दिया उसमें संतोष नहीं है। आपके हस्बैंड और वाइफ को देखकर आपको लगता है कि मेरी कैसे हस्बैंड है, मेरा कैसी वाइफ है, ये मेरे बच्चे तो देखो कैसे है। इसीलिए मैं ऐसी हालत, अपना दुखड़ा, अपनी तकलीफ का एक्सक्यूज अपने परिवार वालों को कभी मत दीजिए। संतुष्ट रहिए, क्योंकि असंतुष्ट लोग भक्तिहीनों की निशानी। कुड़कुड़ाने वाले, जो कुड़कुड़ाते रहते, हमेशा कुड़ करते रहते हैं, अरे प्रभु ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तीसरा है अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाला। अपनी अभिलाषा, इनको हमें जो पसंद आया वो किया, माई लाइफ माई रूल्स। बाकी सब लोग जाए आग में, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। माई लाइफ माई रूल्स। और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई, अपने लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया कर। आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी चापलूसी करेंगे, बड़ाई करेंगे, आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे। कुल मत जाना प्यार, अपने आप को संतुष्ट रखना प्रभु में। आपको प्रभु को आपको प्रसन्न करना है, आजू बाजू वाले लोगों को नहीं, प्रभु को प्रसन्न करना। और इसीलिए 17वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो तुम उन बातों का स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे। पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और ये वे लोग हैं जो फूट डालते। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहे तो क्या करना है? इन सब बातों से अपने आप को अलग। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर तेरे लिए मुझे तैयार रख, मुझे तैयार रहना है, मुझे क्रूस का बैरी नहीं बनना है। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या कहीं ना कहीं हमारे चाल चलन से हम क्रूस के बैरी तो नहीं बन गए हैं ना? क्या बातें आपको भाती है? कौन सी बातें हमें पसंद है? प्रभु जानता है प्यारो, प्रभु को पता है कि क्या अच्छा है, क्या सही है, कौन गलत है। आप न्याय किसी का ना करें। न्याय करने की आदत है तो छोड़ दी। अपने आप को पवित्र रखें, दाग अपने वस्त्रों पर ना होने दें। आपको जो उद्धार के वस्त्र प्रभु ने दिए हैं उस पर दाग न लगने। अपने आप को प्रभु के वचनों में बनाए रखें। बहुत गंभीर समय है प्यारो। मैंने अपनी बातें मैं बोल चुका हूँ। जो बातें थी वो आपके सामने रखती है। इस बात को हमेशा गौर करते रहना, क्योंकि मुझे नहीं पता आने वाला साल और आने वाला समय कैसा है। हम आशा रखते हैं और आशीष यही देते हैं कि आपका और सुनने वाले हर एक लोगों का और उनके परिवारों का भला ही हो, अच्छा ही हो आपका। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम तैयारी किए हुए हैं, क्या हम तैयार है कि नहीं उस बड़े बदलाव के लिए, उस बड़े शिफ्ट के लिए। दुनिया में बहुत भारी बदलाव आ रहा है। क्या उस बदलाव के लिए अपने आप को आपने अपडेट किया? क्या दुनिया में हम देख रहे हैं, कोरोना कल क्या था और आज उसका नया स्वरूप है। लोग बोल रहे हैं एक नया वर्जन आ गया है। आपका वर्जन क्यों पुराना? आप क्यों अभी भी अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो? वचन ही है जो आपको तैयार कर सकता है। इस समय की बड़ी डिमांड है परमेश्वर के राज्य की कि विश्वासी लोग प्रभु के वचनों के बपतिस्मा में पाए जाए। वचन का बपतिस्मा क्या आपने पाया है? ये कोई इंसान नहीं देगा, ये खुद आपको हासिल करना पड़ेगा। अपने आप को वचन में डुबोकर, अपने आप को वचन में डुबोकर उस पर विश्वास कर उस पर खड़े रहना सीख लीजिए। सीख लीजिए प्यारो, हो सकता है आने वाले समय में अगर आप रह गए, जीना बहुत भारी हो सकता है। इस संसार की बातों की ओर मन लगा। मैं नहीं कहता हूं कि आपका काम काज छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ के बैठ जाइए, पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी प्रभु और प्रभु की बातों को दीजिए प्यारो, क्योंकि यही काम आने वाला है। प्रभु ने साफ बातें बताई है कि जो मेरे नाम का और मेरे वचन का उपयोग करना सीखेंगे वो ही लोग तैर लेंगे, बाकी डूब सकते, बाकी गहरी खाई में चले जाएंगे वापस। बहुत सारे लोगों को वादियों में, झाड़ियों के बीच फंसा हुआ मैंने देखा। मुझे नहीं पता उसमें आप लोग हो कि नहीं, पर मैंने बहुत सारे लोगों को वहां पर देखा। ये प्रभु का दर्शन है जो आपके सामने रख दिया है, इसके आधार पर चलना ना चलना आपके हाथ में है। आपकी मनमानी करके जीना आपके हाथ में है। प्रभु जबरदस्ती नहीं कर रहा है। प्रभु चाहता है कि उसकी कलीसिया के लोग तैयार हो, तेजस्वी कलीसिया बन जाए, क्योंकि वचन के स्नान से ही, जल स्नान से ही वो तेजस्वी बन सकते, दाग रहित और झुर्री रहित हो सकते, पवित्र हो सकते। This is the time to set apart yourself. अपने आप को अलग करने का यह समय है, परमेश्वर के वचनों में डुबोकर उसमें आगे बढ़ने का समय है। उसी में आप तैयार हो सकते। प्रार्थना में और प्रभु के वचनों में आप समय बिताना शुरू करें अगर आपकी आदत में नहीं है। घड़ी दो घड़ी का बाइबल रीडिंग काम नहीं आएगा आपका। आप डुबोइए अपने आप को। चंगाई और बहुत कुछ हम मांगते रहते हैं, पर आज प्रभु की करीबी को मांगिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के अनुसार प्रभु हमें तैयार कर, हमें अनुग्रह दे कि उन बातों को जो हमारे लिए लाभ की है उसको हम कूड़ा समझे। हम तुझको प्राप्त करने वाले बने प्रभु, और उसके पीछे दौड़ने वाले बने जिस पदार्थ को पकड़ने के लिए आपने हमें चुन लिया है। प्रभु हम इस संसार में हमारे कामकाज, हमारे बिजनेस में ही प्रभु उलझे ना रह जाए। परमेश्वर प्रभु हम मांगते, परमेश्वर हमें सहाय करे, पवित्र आत्मा आपके वचनों से भरपूर करे, ताकि प्रभु हम एक तेजस्वी कलीसिया बनकर तैयार रहे, दुल्हन बनकर तैयार रहे आपके लिए। परमेश्वर प्रभु हम मांगते, पवित्र आत्मा आप अपने सामर्थ को उंडे लिए प्रभु इन लोगों के ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर, सुनने वाले हर एक लोगों के ऊपर, कि वो अपने आप को अलग कर सके, वो संसार की वस्तुओं पर बन न लगाए, अपनी अभिलाषाओं पर न चले, क्रूस के बैरी बनकर न रह जाए, जानबूझकर या अनजाने में क्रूस के बैरी बनकर ना रह जाए। परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर कि अनुग्रह होने दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते परमेश्वर। प्रभु आपका आना निकट है, तय है प्रभु। आप हैंडल करें परमेश्वर आपके लोगों को, आपकी आत्मा हैंडल करे प्रभु यीशु के नाम में। आत्मा का नियंत्रण में चलने की भूख दे लोगों को प्रभु, आत्मा के नियंत्रण में चलने की भूख दे। आत्मा से जितने लोग चलाए मानोगे वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु का वचन कहता है आप तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को मारने के लिए, पाप में मरा हुआ समझिए अपने आप को, ताकि यीशु के लिए जी पाओ आप। प्रभु हम दुआ करते प्रभु इस समय के लिए, प्रभु आपने हमारी अगुवाई की है। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, जो लोग जरूरतों में हैं, जो लोग तकलीफों में, जो समस्याओं में उलझे हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम को हम बोलते हैं उनके जीवनों के ऊपर। I rebuke every bondage in the mighty name of Jesus. Be healed and be whole in Jesus name. यीशु के बड़े पवित्र नाम में छंगे हो जाए प्रभु। कोई भी बाधा जो आपकी विश्वास की चाल में बाधा है, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु हट जाए। प्रभु आप अनुग्रह करें, हमारी कलीसिया के लोगों पर आप अनुग्रह करें, हर एक सुनने वाले पर आप अनुग्रह करें, क्योंकि आने वाले समय के लिए प्रभु हमें अपने आप को तैयार कर, किसी भी हाल में, किसी भी रीति से उस मरे हुए के पुनरुत्थान तक पहुंचना है। प्रभु हम दुआ करते आपकी मृत्यु की समानता में जाने का अनुग्रह दे परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे प्रभु, हमें अनुग्रह दे कि इस साल हम अपने आप से लड़े परमेश्वर, हम लोगों से नहीं, हम अपने आप से लड़े। ये साल अपने आप से लड़ने का है। अपने आप को खत्म करो ताकि यीशु जिए आप में। अपना मैं को खत्म करो ताकि यीशु आप में बढ़े, यीशु आप में जिए। कोई नाम नहीं पर यीशु के नाम को आप ऊंचा करने की चाहत रखो। प्रभु में आप अपने आप उठोगे। थैंक यू डैडी। प्रभु आपने समय को आशीषित किया है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हमारे अपराध पाप के क्षणों में रखते हैं, इसे कबूल करें और हर एक को आप आशीष दें। परमेश्वर हम यीशु के नाम में शांति की आशीष देते हैं सुनने वाले हर एक को। प्रभु हम मांगते प्रभु इस वचनों को गहराई से समझने के अनुग्रह मांगते हैं, इनके ऊपर जाहिर हो। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, कबूल करें यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना साथ मिलकर बोलेंगे, आकाश बना हमारा बाप, और नाम पवित्र बनाओ तुम्हारा राज्य, જેમ આકાશમાં તેમ આ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા અપરાધીઓને માફ કરે તેમ તમે અમારા અપરાધને માફ અને પરીક્ષામાં ન લાવો પણ ભલાઈથી અમારો છૂટો રાજ્ય પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમેन। अब उस महान पिता परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, यीशु मसीह का फेवर और अनुग्रह, पवित्र आत्मा के साथ और पवित्र आत्मा की सहभागिता कलीसिया के साथ और यीशु के पीछे सैक्रिफिशियली चलने वाले हर एक लोगों के जीवन में आज से लेके हमेशा तक बनी रहे, आमीन।